जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय कुमार ऑफिसर्स करियर एकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं 11वीं कक्षा की छात्रा नेहा गवई और तृप्ति जाधव। तो आज हम जानेंगे कि कैसा रहा इनका अनुभव OCA में समय बिता के। तो नेहा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, और तृप्ति आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा रहा नेहा आपका OCA का ये 3 महीने का जर्नी, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जय हिंद सर, आई एम कैडेट नेहा गवई। और बात करें मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो मुझे यहाँ आके 3 मंथ्स हो गए हैं और ये एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल था। फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, आज तक फर्स्ट डे था मेरा, थोड़ा रोना वोना, मम्मी की याद आना एंड ऐसे सब कुछ चलता रहा। फिर बाद में सेटल होने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सेटल भी मैं 4-5 दिनों में हो गई। इसका ऐसा एनवायरनमेंट ही इतना फ्रेंडली है ना, स्टाफ वगैरह, और फिर हमारा ग्राउंड सुबह से लेकर हमारा जो शेड्यूल है पूरा पैक्ड है, तो फिर ऐसे घर की याद भी नहीं आती है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तृप्ति, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप हमारे दर्शकों को बताइए। वेल सर, मेरा एक्सपीरियंस OCA में अभी तक तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा था। बिल्कुल। एंड एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया था OCA ऑन 5th May 2023 को। दिस इज़ माई 4th month रनिंग। और OCA का एक्सपीरियंस बताया जाए तो जैसे मैंने आपको बोला, जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही था। स्टार्टिंग में जैसे नेहा ने बोला कि स्टार्टिंग में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करी है, जैसे रोना एंड ऑल, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है सबको एडजस्ट होने में। सेम मुझे भी वैसे ही लगा था, बट आफ्टर दैट जब मैंने टीचर स्टाफ एंड ऑल सब देखा तो बहुत फ्रेंडली है, फैमिलियर है, तो फैमिली की ऐसी याद आना ये बिल्कुल ही बंद हो गया था। मतलब अभी तो बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ, मतलब हम लोग घर से दूर आए। राइट। और OCA का एक्सपीरियंस फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा है अभी तक, और आगे भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करूँगी। चलिए, बिल्कुल आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा। हम इस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने OCA ही क्यों, और दूसरी चीज़ कि आपने डिफेंस ही क्यों चुना। सर, डिफेंस चूज़ करने का मेन ऐसा ये था कि मम्मी पापा भी चाहते थे कि मैं एक ऑफिसर बनूँ। मेरे पापा भी एक ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर, तो ही वांटेड मी टू जॉइन, ही नेवर वांटेड मी टू जॉइन आर्मी, बट ही सेड मी कि आर्मी में जॉइन करना है तो नीट वगैरह करो, डॉक्टर वगैरह बनो। लेकिन आई वांटेड टू बी अ ऑफिसर, एंड वो क्वालिटी आती है ना ऑफिसर बनने के बाद, और वो जो दर्जा वगैरह मिलता है, तो और फिर मेन बनना तो है कि एयरफोर्स ज्वाइन करना है और फाइटर प्लेन चलाना है, तो बस फाइटर पायलट बनना है, ये सपना है। और जैसे कि अपन, अपनी सोसाइटी जो है अभी वो सपोर्ट नहीं करती है, ज़्यादातर डिफेंस में लड़कियाँ नहीं आती है, तो बहुत कम लड़कियाँ हमारी एकेडमी में भी है और पूरे इंडिया में भी बहुत कम है। लेकिन वो जो अभी वो बन नंबर बढ़ रहा है, लड़कियों का नंबर बढ़ रहा है और हम बढ़ाएंगे। तो तृप्ति, जैसा कि नेहा ने अभी एक स्टेटमेंट मेंशन की है कि डिफेंस में लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम है, लेकिन वो स्लाइटली बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने इस पे पार्टिसिपेट किया है एज अ डिफेंस वॉरियर, आप चूज़ किए हैं इस फील्ड को, तो आपका क्या ये है स्टैंड है इसको लेकर के? सर, जैसे नेहा ने पहले कहा कि उसके मम्मी पापा एंड स्पेशली हर फादर वो डिफेंस में है, सेम मेरा भी वैसा ही है। तो माई फादर वॉज पहले अगेंस्ट थे, नॉट आई कैन से अगेंस्ट, बट उनका ये मानना था कि डिफेंस ज्वाइन नहीं करना, राइट, वी हैव टू डू नीट, JEE, बहुत सारे अलग अलग है, CA है लड़कियों के लिए, जैसे लड़कियों की इनसिक्योरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे बोला था पेरेंट्स ने। बट मेरा पहले से ड्रीम था कि डिफेंस ज्वाइन करना है, और आपने जैसे बोला कि गर्ल्स और जो डिफेंस में यूजुअली ज्वाइन यूजुअली सपोर्ट नहीं करते गर्ल्स को डिफेंस ज्वाइन करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है अभी के जनरेशन में गर्ल्स एंड बॉयज़ मोस्टली इक्वल है, तो ऐसे किसी का अपोजिशन डिफेंस ज्वाइन नहीं करना अभी नहीं रहा है इतना। जनरेशन बढ़ रहा है, सबकी सोच बदल रही है, तो उस हिसाब से। और OCA, मेनली OCA ज्वाइन करना मेरा था कि OCA क्यों, तो OCA में जैसे मैं बताना चाहती हूँ, OCA से दिस ईयर दिव्यांशी शाहू जो छत्तीसगढ़ से फर्स्ट अग्निवीर फीमेल कैडेट जो सिलेक्ट हुई है, और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं OCA के स्पेशली जो मैंने देखे और मेरे पेरेंट्स ने देखे। अभी जैसे 37 कैडेट सिलेक्ट हुए थे, और OCA का जो नेचर है, OCA का जो सराउंडिंग्स है, जैसे आप सब लोग देख रहे हो, स्पोर्ट्स टाइम स्केड्यूल एंड एवरीथिंग विच इज़ ऑन टाइम, और आप डिफेंस में टाइम जितना प्रीशियस और इम्पॉर्टेंट होता है OCA में उतना है। सो उस हिसाब को ये सब देख के OCA को ये किया था कि OCA में जाना है,
और कोई रीज़न नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। तो आगे इस चीज़ को अगर हम बढ़ाएं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें कि आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है? वो अपने अपने चॉइस पे डिपेंड करता है। आई एक्चुअली प्रीफर टू जॉइन एयरफोर्स, बाकी सारे भी ऑप्शंस है लेकिन एयरफोर्स ही क्यों, क्योंकि मेरी वो चॉइस है। एंड अब चॉइस है तो चॉइस है। एग्जैक्टली चॉइस है तो है। आपका क्या है? सर सेम, मेरा भी ऐसा कुछ चॉइस नहीं है कि नेवी नहीं है तो आर्मी नहीं, बट पहले से था कि एयरफोर्स ज्वाइन करना है, फाइटर जेट चलाना है, बस यही सपना था। बट चॉइस इज ऑलवेज बी अ चॉइस, हमें जो पसंद है वो हमेशा से रहता है। हाँ सर, तो पहले से पसंद था एयरफोर्स में ही जाना है, आर्मी में वैसा कुछ स्पेशल ये नहीं है कि आर्मी में नहीं और नेवी में नहीं। एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगता है नेवी में गर्ल्स के लिए थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती है कंपैरेटिवली एयरफोर्स एंड आर्मी। तो उस हिसाब से लाइक मेरा अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसा सोचती हूँ, इसलिए मैंने एयरफोर्स लाइक ये फील्ड ये किया है। ओके थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कैसे नेहा और तृप्ति ने अपने अपने प्रेफरेंस सेट कर रखे हैं, अपने फ्यूचर्स डिसाइड कर रखे हैं। तो आप भी बन सकते हैं इसके पार्ट। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।